प्रभु के नाम की स्तुति हो। अपन लोग पिछले कुछ हफ्तों से पवित्र बाइबल के एक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। पुस्तक का नाम है रोमियो। जैसा मैंने इसके पहले कई बार बताया था, उस समय रोम नाम का प्रदेश था जो सारी दुनिया का, लगभग सारी दुनिया का शासन करता था। वहाँ प्रभु यीशु के काफ़ी सारे अनुयायी थे और ये बहुत ही लंबा लेख रोम में प्रभु के जो अनुयायी थे उनको लिखा गया था। इसलिए रोम में जो लोग हैं उनको रोमी कहा जाता है। रोमियों के नाम इतना लंबा जो पत्र है उसको अपन हिंदी में पत्री कहते हैं, इसलिए रोमियों के नाम पत्री इसका, इस पुस्तक का नाम है। इसके शुरू के 8 अध्याय हमने देखे। 7वें अध्याय में हमने देखा था कि मनुष्य, हम में से हर व्यक्ति एक पवित्र जीवन बिताना चाहता है, लेकिन हमारे अंदर जो पाप का स्वभाव है वो स्वभाव लगातार हमको बुराई की तरफ खींचता है। पिछले हफ्ते हमने 8वें अध्याय से देखा था कि एक बार जब एक व्यक्ति प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण कर लेता है तो उसको लगता है कि अब तो मैं प्रभु की संतान हो गया हूँ और इस कारण मेरे जीवन में, चूंकि मैं हर बात में प्रभु की आज्ञा मानता हूँ, इसलिए मेरे जीवन में हर तरह से अनुग्रह ही अनुग्रह होना चाहिए। ये उम्मीद बिल्कुल सही है, हर तरह से अनुग्रह ही अनुग्रह होगा। लेकिन यदि आप ये सोचते हैं कि आपने प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया है और अब आप प्रभु की संतान हैं, इसके कारण आपके जीवन में सिर्फ अनुग्रह होना चाहिए, तो ये आपकी गलत फहमी है। उसका कारण क्या है? प्रभु मुझे और आपको, हमने जो उद्धार पाया है उस क्षण से हमारे जीवन को अपनी इच्छा के अनुसार प्रभु हमको ढालते हैं, एक रूप देते हैं हमको। हम जानते हैं लोग किस तरह से रूप देते हैं। कुमार क्या करता है? चिकनी मिट्टी लेता है, उसको पहले तो अच्छी तरह से उसमें कंकड़ पत्थर हटाता है, उसके बाद क्या करता है, पानी से अच्छी तरह से गूंथने के बाद खूब जम के उसके पास एक पाट होता है, उससे उस मिट्टी की पिटाई करता है, उसकी कुटाई करता है। क्यों? जिससे कि वो मिट्टी एकदम से जो आकृति उसको कुमार देना चाहता है उस आकृति में जाने के लिए मिट्टी एकदम से तैयार हो जाए। तो कोई भी व्यक्ति जब किसी को रूपरेखा देता है या एक आकर्षक आकृति देता है तो उसके पहले मारपीट कुटाई सब होती है। उसी तरह से जब एक आदमी लकड़ी से मूर्ति बनाता है तो ठोक पीट के बहुत ही अच्छे किस्म की लकड़ी लेता है जिसमें बीच में कहीं से कुछ भी पोला नहीं होता है। उसके बाद क्या करता है? उसके बाद वो हथौड़ी और छेनी लेकर उस लकड़ी को काटता है। उसमें जो कुछ अनावश्यक है उस सबको पहले काट कर अलग कर देता है। उसके बाद क्या करता है? वो उससे भी ज़्यादा धारदार, उससे भी छोटी सी छेनी लेकर उसको और शेप देता है। फिर क्या करता है? वो उससे भी छोटी छेनी लेकर वो मूर्ति जो बना रहा है उसके आँख नाक वगैरह को अच्छी रूपरेखा देता है। फिर क्या करता है? काम समाप्त नहीं होता है, उसके बाद वो सैंड पेपर लेता है और उसको जम के घिसता है। कोई भी कलाकार जब एक सुंदर सी कलाकृति बनाता है तो उस बनाने की जो प्रक्रिया है वो बहुत दर्द भरी प्रक्रिया होती है। इसी तरह से जब पत्थर से कोई मूर्ति बनाता है तो उसको काट काट के ठोक ठोक के तो बनाता है। पिछले हफ्ते हमने 8वें अध्याय से ये देखा था कि जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण कर लेता है तो ग्रहण करने के बाद उसके जीवन में प्रभु इस तरह से उसको कई प्रकार की परिस्थितियों से होकर गुजरने देते हैं जिससे कि उसका जीवन जो आकृति लेनी चाहिए
उसके जीवन में जिस तरह के रूप आ जाना चाहिए प्रभु उसको वो रूप प्रदान करते हैं। अच्छा, इतना सुनने के बाद कोई भी व्यक्ति ये सोच सकता है या कह सकता है, या अक्सर हम में से कई लोग कहते हैं, अच्छा ठीक है, ये बात तो हमने समझ ली कि हमारे जीवन में जो कुछ होता है वो प्रभु उन सब चीज़ों को लेकर हमारे जीवन को एक अच्छा सा रूप देते हैं। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती है कि हमारे जीवन में कई बार बहुत ही दुष्ट प्रकार के लोग आकर हमसे व्यवहार करते हैं। दुष्ट व्यक्ति अनावश्यक रूप से हमारे जीवन में दखल देता है, ये क्यों? कई बार ये प्रश्न भी होता है कि यदि प्रभु इस सारे विश्व का नियंत्रण कर रहे हैं तो विश्व में ऐसे लोग क्यों होते हैं जो कि मूल तौर पर बेसिकली बुरे हैं, दुष्ट हैं, क्रूर हैं, अत्याचारी हैं। नौवां अध्याय बहुत सारे प्रश्नों का जवाब देता है और उसमें से एक प्रश्न ये है कि क्यों प्रभु ऐसे लोगों को इस संसार में आने की अनुमति देते हैं, बढ़ने की अनुमति देते हैं। आप स्वयं शायद ये प्रश्न अपने जीवन के बारे में पूछेंगे कि देखिए शास्त्री सर, मैं प्रभु का अनुयायी हूँ, मैंने प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया है, लेकिन मेरे चाचा, ताऊ, मामा, भतीजे, इन लोगों में से उस फलाने व्यक्ति को देखिए वो कितना दुष्ट है और वो मेरे जीवन में कितनी परेशानी पैदा करता है। इसका आधा उत्तर पिछले हफ्ते मैं दे चुका हूँ। आधा उत्तर यह है कि प्रभु उन सब का उपयोग करके मुझे और आपको एक अच्छा सा रूप दे रहे हैं। बाकी आधा उत्तर अध्याय 9 में हम देखते हैं। अध्याय 9 का श्लोक जो 17वां श्लोक है या 17वां पद है, वहाँ पर लिखा हुआ है पवित्र शास्त्र मतलब प्रभु का वचन। प्रभु के वचन में फिरौन से कहा गया, मैंने तुझे इसलिए खड़ा किया कि तुझ में अपनी सामर्थ्य दिखाऊं और मेरे नाम का प्रचार सारी दुनिया में हो। ये घटना आप में से कुछ लोगों को याद है, कुछ लोगों को शायद याद नहीं है, कुछ लोगों ने यह घटना नहीं सुनी होगी। पवित्र बाइबल जब हम शुरू से अध्ययन कर रहे थे तब मैंने एक ऐतिहासिक घटना आपको बताई थी। जिन्होंने ये घटना नहीं सुनी है वो अभी सुन लें। आज से लगभग 4000 साल पहले की बात है, प्रभु के द्वारा चुने गए लोगों को मिस्र देश में बहुत ही अधिक पीड़ा दी गई। उनको गुलाम बनाया गया, उनसे जबरदस्ती काम करवाया गया। यदि एक आदमी एक दिन में 100 ईंट बना सकता है तो उसको 200 का कोटा दिया गया, और जब वो शाम तक 200 नहीं बना पाता तो जम के हंटरों से मार पड़ती थी। ये कौन लोग थे जो ईंट बनाते थे? प्रभु के बच्चे, प्रभु के अनुयायी। प्रभु के इन अनुयायियों ने दसियों साल प्रभु की दोहाई दी है, प्रभु आप ये देख नहीं रहे हैं क्या कि आपके बच्चे इस संसार में किस तरह से पीड़ित हो रहे हैं, मिस्र देश में किस तरह से पीड़ित हो रहे हैं, किस तरह से उनको पीड़ित किया जा रहा है? और कौन कर रहा है ये? मिस्र देश का शाहनशाह, जिसको फिरौन कहा जाता है। और आखिर में तो स्थिति बहुत खराब हो गई थी। फिरौन ने ये आज्ञा निकाल दी थी कि प्रभु के बच्चे इसराइली लोग उनके घरों में जितने नर पैदा होते हैं उन सब को ले जाकर मिस्र देश की जो सबसे बड़ी नदी है नील नदी उसमें डाल दिया जाए। नील नदी बहुत गहरी है और एक नए नए पैदा हुए बच्चे को आप उस पानी में डाल देंगे तो वो तो ठंड भर में ख़त्म हो जाएगा, वो बचेगा नहीं। जरा सोचिए, एक ऐसी जनता 20 लाख के करीब
जो प्रभु की आज्ञा मानती है, जो प्रभु का भय मानते हैं, जो प्रभु की इच्छा के अनुसार जीवन बिताते हैं। पहले तो फिरौन नामक इस बादशाह ने उनको अपना गुलाम बना लिया, उसके बाद उनसे जितना काम हो सकता है उससे दुगना काम दिया, और जब दुगना काम नहीं हुआ तो उनको बहुत बुरी तरह से पीड़ित किया गया। लेकिन इसके बावजूद जब वो जनता प्रभु में अपने विश्वास के कारण टूटी नहीं, जब वो किसी भी तरह से उस जनता के मन को, उनकी इच्छा को, उनकी सामर्थ्य को जब तोड़ नहीं पाए, तो फिरौन ने आखिरी चाल चली, आखिरी हथियार, तुम्हारे घरों में यदि कोई भी लड़का पैदा होता है तो पैदा होते ही उसको नदी में डाल देना। इतना ही नहीं, जो दाई हैं उस समय डिलीवरी लेती थी, ये सब राजा के अंडर थी। राजा ने उन दाइयों को आज्ञा दी कि जैसे ही तुम प्रभु के जो बच्चे हैं उनमें से किसी स्त्री को पुत्र जन्म देते हुए देखो, तो जैसे ही वो जन्म ले उसको मार डालना। अपन खुद जानते हैं हिंदुस्तान में कई इलाकों में अभी भी ऐसा होता है, यदि डिलीवरी के समय, गांव में अभी भी ऐसा कई जगह होता है, डिलीवरी के समय यदि पता चलता है कि वो लड़की है, तो जो ट्रेंड दाइयाँ होती हैं या बुआएँ फूफाएँ मिलके उस बच्चे को ख़त्म कर देती हैं। क्यों? इसलिए कि हर कोई लड़का चाहता है। तो आज 21वीं शताब्दी में ये स्थिति है, तो आज से 4000 साल पहले या 3500 साल पहले जब शाहनशाह ने ये आज्ञा दी कि जितने लड़के पैदा हों उनको ख़त्म कर देना, तो दाइयों की ये जिम्मेदारी थी कि वो इस बात को मान ले, नहीं तो राजा उन्हीं को ख़त्म कर देता। लेकिन ये दाइयाँ प्रभु का भय मानती थीं, जिसके कारण वो लड़का हो या लड़की उसको जिंदा छोड़ देते थे। और बाद में जब शाहनशाह ने बुला के पूछा कि खबरदार तुम लोगों ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, तो उन्होंने जवाब दिया कि महाराजाधिराज, ये स्त्रियाँ इतनी स्मार्ट हैं कि हमारे पहुँचने से पहले ही उनको बच्चा हो जाता है, और जब पहले ही बच्चा हो जाता है और उनको मालूम है कि ये जीवित है, तो उनके सामने तो हम गला घोंट के उसको मार नहीं सकते हैं। इस तरह से वो स्त्रियाँ बच गईं। लेकिन वो जो राजाधिराज था या मिस्र देश के जो बादशाह थे एक के बाद एक, उनसे प्रभु की वाणी ये थी, मैंने तुमको इस कारण खड़ा किया है और ये बुराई करने के लिए मैंने तुमको इस कारण अनुमति दी है, जिससे कि मैं अपनी सामर्थ्य तुम्हारी बुराई के बावजूद दिखा सकूं। और इस घटना का आखिरी जो चैप्टर है, आखिरी अध्याय है, वो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। प्रभु के दास मूसा ने जाके कहा कि प्रभु के बच्चों को छोड़ दो। नहीं, मैं कैसे छोड़ूं? अरे 20 लाख मुफ्त की जो क्या कहना चाहिए, गुलाम कोई छोड़ेगा क्या? नहीं छोड़ना चाहता था। प्रभु ने क्या किया, पहली मुसीबत दूसरी मुसीबत उनके ऊपर डाली, फाइनली छोड़ दिया क्या? हाँ, फाइनली एक रात को जब शाहनशाह के परिवार से लेकर मिस्र देश के हर परिवार में पहलौठे का प्रभु ने संहार कर दिया, जब मिस्र देश में हाहाकार मच गया, तब फिरौन ने कहा ले जाओ अपने बाल बच्चों, अपनी संपत्ति, अपने जानवर, और जाने से पहले तुमको क्या चाहिए बोल दो और ले जाओ। इस तरह से प्रभु के बच्चों को प्रभु ने छुड़ाकर उस देश से एक ऐसे देश में पहुंचाया जिसके बारे में कहा जाता है कि वहाँ दूध और शहद की नदियाँ बहती हैं। प्रभु ने ऐसा क्यों किया? क्यों उस फिरौन को ये सब करने दिया? यहाँ प्रभु का वचन कहता है, पवित्र शास्त्र फिरौन से, पवित्र शास्त्र में फिरौन से कहा गया है, मैंने तुमको इसलिए खड़ा किया है, मतलब मैंने तुमको इसलिए राज्य दिया है कि तुझ में अपनी सामर्थ्य दिखाऊं।
प्रभु ने कैसे अपनी सामर्थ दिखाई थी, ये घटना भी मैं उन लोगों के लिए थोड़ा सा ब्रीफ में बता दूं जो लोग इस घटना को सुन नहीं पाए थे जब मैंने बात बताई थी। फिरौन ने कहा ले जाओ अपनी सारी जनता को, तो महान नायक मूसा 20 लाख लोगों को लेकर जब आगे बढ़े, थोड़ी देर के बाद फिरौन को लगा अरे 20 लाख गुलाम, मैंने उनको ऐसे ही जाने दिया, मुफ्त में जाने दिया, अब मेरा क्या होगा, मेरा ये जो बड़ा राज्य है जिसको मैं गुलामों की मदद से बना रहा हूँ, मेरे राजमहल इन सब का क्या होगा। फिरौन अपने सारे सैनिकों को और सारे रथों को लेकर इन लोगों का पीछा करने गया। क्या हुआ, ये लोग जब आगे बढ़े तो सामने समुद्र है, समुद्र इतना गहरा होता है कि उसमें कोई तैर के भी पार नहीं निकल सकता। उस समय प्रभु की आज्ञा के अनुसार प्रभु के दास मूसा ने जब अपने हाथ की लाठी को पानी के ऊपर यूं उठाया तो समुद्र का पानी दो होकर बट गया और प्रभु के बच्चे उस पानी में होकर सूखे सूखे में समुद्र के पार निकल गए। जब फिरौन ने देखा कि समुद्र बट गया है, सूखे में लोग जा रहे हैं, तो फिरौन अपनी सेना के साथ उनका पीछा करने गए, पीछा करने लगा। क्या हुआ, प्रभु के बच्चे जैसे ही समुद्र से बाहर निकल गए, प्रभु ने आज्ञा दी अपने दास को पीछे मुड़कर उस समुद्र के ऊपर उसी लाठी को उठाओ। मूसा ने ऐसा ही किया और समुद्र का सारा पानी वापस आके मिल गया। फिरौन और उसकी सारी सेना जल के अंदर डूबकर मटिया मेट समाप्त हो गई। क्यों प्रभु ने इस फिरौन को खड़ा किया, प्रभु ने क्यों इस फिरौन को अधिकार दिया? प्रभु का वचन दिखाता है, मैंने तुमको इसलिए खड़ा किया कि तुम में अपनी सामर्थ दिखाऊं और मेरे नाम का प्रचार सारी पृथ्वी पर हो। ऐसा हो क्या? जी हाँ, इस घटना के 40 साल बाद, ये बात याद रखें, 4 साल बाद नहीं, 10 साल बाद नहीं, 40 साल के बाद जब ये 20 लाख लोग उस देश में पहुंचे जो देश प्रभु ने इनको प्रॉमिस किया था, जिस देश के बारे में प्रभु ने कहा था कि मैं तुमको दूध और शहद की नदियां बहने वाले देश में ले जाऊंगा, वहां जब पहुंचे तब जो लोग उस देश का भेद लेने के लिए गए थे, उनसे उस देश की एक स्त्री ने, राहाब नाम की एक स्त्री ने क्या कहा, इस देश में हर कोई जानता है कि प्रभु तुम्हारे साथ है। कैसे जानता है? अरे ये लोग तो 40 साल जंगल में मारे मारे फिरे थे, ये 20 लाख लोग जिनको प्रभु मिस्र देश से छुड़ा कर लाए थे, उसके अगले 40 साल ये लोग मरुभूमि में फिरते रहे थे, कोई ऐसा बड़ा कार्य नहीं हुआ था जिससे कि बाकी लोग जान सकें कि प्रभु इनके साथ है। तो 40 साल के बाद उस स्त्री ने, और वो स्त्री जिस शहर में थी उस शहर का नाम था यरीहो, यरीहो के लोगों को कैसे पता चला कि प्रभु शक्तिशाली प्रभु है जो इस जनता के साथ है, जो इस जनता के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है? कैसे पता चला? प्रभु ने फिरौन से जो बात कही थी, मैंने तुझे इसलिए खड़ा किया है कि तुझ में अपनी सामर्थ दिखाऊं और जिससे इतना ही नहीं मेरे नाम का प्रचार सारी पृथ्वी पर हो। 40 साल के बाद भी जिस देश में ये लोग पहुंचे, उस देश के लोग जानते थे कि प्रभु इन लोगों के साथ है, प्रभु इनकी मदद करेंगे, प्रभु इनकी सुरक्षा करेंगे और प्रभु इनको उद्धार प्रदान करेंगे, और लोग डर के मारे कांप रहे थे। आज संदेश के आरंभ में मैंने एक प्रश्न पूछा था, मेरे और आपके जीवन में कई बार हम ऐसे लोगों को देखते हैं या ऐसे लोगों से हमारा पाला पड़ता है जो कि स्वभाव में
बहुत ही क्रूर, बहुत ही दुष्ट और बहुत ही नीच होते हैं। क्यों प्रभु इस तरह के लोगों को हमारे जीवन में आने देते हैं? यह है उसका उत्तर। नौवा अध्याय उसका उत्तर देता है, मैंने मेरे प्रिय बच्चे तुम्हारे जीवन में कुछ नीच, कुछ दुष्ट, अत्याचारी लोगों को मैंने स्वयं जानकर खड़ा किया है, जिससे कि उन लोगों से मैं जिस तरह का व्यवहार करूंगा वो व्यवहार जब तुम देखोगे तब तुम जान जाओगे कि मैं ईश्वर हूं, मैं तुमको मुक्ति देता हूं, मैं तुम्हारे जीवन को नियंत्रित करता हूं, मैं तुम्हारी अगुवाई करता हूं और मैं तुमको अनुग्रह देता हूं। इतना ही नहीं, जब उस व्यक्ति के द्वारा मैं कार्य करूंगा और जब तुम अनुग्रह पाओगे तो 50 लोग इस बात को देखेंगे, और जब 50 लोग इस बात को तुम्हारे गांव में देखेंगे तो उसके द्वारा वे लोग इस बात को पहचान जाएंगे कि हाँ ये व्यक्ति अलग है। मैं जरा एक बात पूछूं, आज इस सभा में जितने लोग बैठे हुए हैं सब लोग क्या हमेशा यहीं रहेंगे? जी नहीं, हम अपने अपने गाँव को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर, अपने माँ बाप, अपने अपनी पत्नी, अपने बच्चों को छोड़कर हजारों किलोमीटर दूर यहाँ मेहनत कर रहे हैं जिससे कि हमारा परिवार अच्छी तरह से पल सके। लेकिन आपको क्या लगता है कि हमारा सारा जीवन यहीं बीतेगा? जी नहीं, जब प्रभु मदद करेंगे तब हम में से हर व्यक्ति अपने अपने गांव, अपने अपने घर वापस जाएगा। जब आप प्रभु की संतान होते हुए जब आप अपने गांव वापस जाएंगे, जब आप अपने परिवार वापस जाएंगे, तब आपके परिवार और आपके गांव के सैकड़ों लोग, शायद हजारों लोग आपको देखेंगे, अरे फलाना वो वापस आ गया है क्या, वो अपनी नौकरी से वापस आ गया है क्या। और जब उन लोगों को ये बात बताई जाएगी कि आप प्रभु यीशु के सच्चे समर्पित अनुयायी हैं, तब सब लोगों की के मन में जिज्ञासा होगी, अच्छा प्रभु यीशु का अनुयायी है, यहाँ गांव से जाने से पहले तो वो हर तरह का कुकर्म करता था, करने में सबसे आगे रहता था, हर तरह के नीच काम करने में वो हमेशा आगे रहता था, अच्छा तो नौकरी और नौकरी में थोड़ा बहुत परिवार के लिए उसने पैसा बनाया, उसके साथ साथ उसका स्वभाव भी बदल गया क्या, अच्छा क्या प्रभु यीशु इस तरह के व्यक्ति के जीवन में बदलाव ला सकते हैं? यह सोचकर आपके परिवार के लोग, आपके गांव के लोग आपके जीवन को देखना चाहेंगे। लेकिन जब आप उन लोगों के बीच में, अपने लोगों के बीच में वापस जाएंगे, तब कई बार ऐसे लोग भी वहां उठ खड़े होंगे जो शायद आपके परिवार के हैं, शायद आपके पड़ोस के हैं, शायद आपके गांव के हैं, लेकिन जो आपके साथ बहुत ही नीच व्यवहार करेंगे, जो हर तरह से आपको धोखा देने की कोशिश करेंगे, आपका नाम बदनाम करने की कोशिश करेंगे, आपको लूटने की कोशिश करेंगे, आपके परिवार के लिए तमाम तरह की बाधा खड़ा करेंगे, तब आपको लगेगा कि हे प्रभु, मैंने कितनी कड़ी मेहनत अपने गांव, अपने घर वालों को छोड़कर दूर जाकर मेहनत की जिससे कि मेरे परिवार का अच्छा पालन पोषण हो सके, और जब मैं काम कर रहा था उस दौरान प्रभु मैंने आपको जाना, मैंने आपकी वाणी सुनी, मैंने आपको मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया, मैंने अपने जीवन के सारे बुरे कर्म छोड़ दिए, मेरी वाणी बदल गई, मेरे सोचने का तरीका बदल गया, मेरे कर्म बदल गए, फिर प्रभु ये मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है? तब इस बात को याद रखें, ये जो भी हो रहा है प्रभु इससे ज्ञान नहीं है। प्रभु के 20 लाख बच्चों को ये बादशाह कितने क्रूर तरीके से सता रहा था, प्रभु उससे ज्ञान नहीं थे। और इस जब प्रभु ने अपने लोगों को छुटकारा दिया, उसके साथ साथ उस बादशाह से ये भी बात
बोली कि मैंने तुझे इसलिए खड़ा किया है कि मेरा नाम, मेरे नाम की महिमा हो, मेरे नाम की प्रशंसा हो। इतना ही नहीं, सारी दुनिया के लोग इस बात को जान लें कि मैं प्रभु हूँ और मैं अपने लोगों का ख्याल रखता हूँ, मैं उनकी सुरक्षा करता हूँ और उनको जो भी ज़रूरत है उस ज़रूरत की बात को मैं प्रदान करता हूँ। एग्जैक्टली इसी तरह से कल को जब आप अपने गांव जाएंगे, अपने लोगों के बीच रहेंगे, तब जब आपका जीवन देखकर लोग कहेंगे कि अच्छा ये, ओह ये जाने से पहले तो जब यहाँ से गया था नौकरी के लिए तब तो ये बिल्कुल अलग था, अब तो इसका जीवन बहुत बदल गया है, और जब वो कहेंगे कि अच्छा हो सकता है कि ये अभी अभी वापस आया है, नाटक कर रहा हो, दो चार दिन जरा रुक जाओ तो ये अपने पुराने रास्ते पर आ जाएगा, फिर से गाली गलौज देने लगेगा और हमारे साथ मद्यपान भी करेगा और हर तरह के कुकर्म करने में हमारे साथ आ जाएगा, जुड़ जाएगा, तब आपका जीवन उनके बीच में इस बात की गवाही होगा कि नहीं, मेरे जीवन में जो परिवर्तन आया है वो परिवर्तन स्थायी है, एक क्षण के लिए नहीं है, पूरे जीवन के लिए परिवर्तन आया। मैंने अपना जीवन प्रभु यीशु को समर्पित किया और प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में जो ग्रहण किया वो एक क्षण के लिए नहीं था, वो एक स्थायी समर्पण था, और प्रभु ने मेरे जीवन में जो बदलाव किया है वो एक क्षण भर का बदलाव नहीं था, वो एक स्थायी बदलाव था। ऐसे अवसर पर ऐसे लोग खड़े हो जाएंगे जो हर तरह की बुराई से, बुराई के द्वारा आपका जीवन नरक बनाने की कोशिश करेंगे। तब इस बात को याद रखें कि 20 लाख की प्रजा को सताने के लिए प्रभु ने जिस तरह से फिरौन को अनुमति दी थी, उस तरह से प्रभु ने अनुमति दी है कि ये लोग आपको तकलीफ दें। क्यों? इसलिए कि जब वो व्यक्ति, वो दुष्ट आपको तकलीफ देता है, तब उसके प्रति आपका व्यवहार, प्रभु के ऊपर आपका भरोसा और मनसा वाच्या कर्मणा आप उस व्यक्ति से किस तरह से पेश आते हैं, इसके द्वारा प्रभु के नाम की महिमा हो। उस व्यक्ति को समय आने पर प्रभु नियंत्रित करेंगे निश्चित रूप से, लेकिन एक समय तक प्रभु यह इसलिए अलाउ करते हैं जिससे कि आपके द्वारा प्रभु के नाम की महिमा हो, और इवन वो व्यक्ति जो इस तरह से आपके साथ दुष्टता कर रहा है उसके द्वारा प्रभु के नाम की महिमा हो। मैंने सोचा आज जब मैं इस पद को पढ़ रहा था तब मुझे लगा कि ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ा पाठ है। हम ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने जीवन में या जिसको जीवन में ऐसे लोगों से पाला नहीं पड़ा जो इस तरह से हर तरह से आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, आपको धोखा देने की कोशिश करते हैं, हर तरह से आपको लूटने की कोशिश करते हैं। जब ऐसे लोगों से आपका पाला पड़ता है तब एकदम से मन में इच्छा होती है ये पूछने की, प्रभु मैं तो आपका बच्चा हूँ, प्रभु आपने क्यों इस तरह से एक व्यक्ति को अनुमति दी कि वो मेरे साथ इस तरह का व्यवहार करे। तब जरा प्रभु के वचन को मुड़कर देख लीजिए। प्रभु कई बार हमारे जीवन में ऐसे लोगों को इसलिए खड़ा करते हैं, नंबर एक प्रभु के नाम की महिमा हो, नंबर दो सब लोगों के बीच में ये बात फैल जाए कि प्रभु आपके जीवन में कार्य करते हैं। उसके पहले 14वें पद में हम देखते हैं, इसलिए हम क्या कहें, क्या प्रभु के यहाँ अन्याय है? कभी नहीं। इस बात को हर व्यक्ति याद रखे कि प्रभु जिनके हाथों में हमने अपने जीवन को अर्पित किया है, प्रभु के हाथ में कोई अन्याय नहीं है। देखिए, यदि अन्याय होता तो आज हम कहाँ होते, इवन न्याय होता तो हम कहाँ होते, यदि अन्याय होता तो हम कभी प्रभु के बच्चे बन सकते थे क्या? कभी नहीं। और यदि न्याय होता तो हम कैसे प्रभु के बच्चे बन जाते? न्याय होता तो हमारे पापों का न्याय होता और हमें से कोई बच नहीं पाता। प्रभु के पास ना तो अन्याय है ना न्याय है, प्रभु के पास क्या है? कृपा। कृपा क्या चीज है? जब हम प्रभु के पास जाते हैं तब हमको देखकर जब प्रभु इस बात को समझते हैं कि हाँ इसको तो सदा सर्वदा के लिए सजा देनी चाहिए, लेकिन
मैं न्याय के अनुसार नहीं, कृपा के अनुसार इस व्यक्ति को एक नया जीवन प्रदान करूंगा। इसलिए मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आपके जीवन में इस बात को याद रखें, प्रभु के पास जब हम जाते हैं तब ना तो न्याय के हिसाब से हमसे व्यवहार करते हैं, न्याय के हिसाब से व्यवहार किया होता तो आज हम में से कोई भी व्यक्ति यहाँ नहीं होता, ना ही प्रभु हमसे अन्याय के साथ व्यवहार करते हैं। जीवन में जो भी बुराई आती है प्रभु उस बात को इसलिए आने देते हैं जिससे कि हमको अच्छी तरह से बदल कर, रूप बदल कर, परिष्कृत करके हमको एक अच्छा व्यक्ति बना सके। तो फिर प्रभु के पास क्या है? प्रभु के पास ना तो न्याय है ना अन्याय है, प्रभु के पास है मेरे और आपके लिए कृपा। जब हम प्रभु के पास पहुंच के कहते हैं प्रभु मैं एक पापी हूँ, मैं अपने स्वयं के कर्मों से अपने आप को नहीं बचा सकता, मुझ पर दया कीजिए, तब प्रभु कहते हैं हे मेरे बच्चे मैं जानता हूँ कि तू अपने आप का बचाव नहीं कर सकता, इसीलिए तो मैंने अपने एकलौते पुत्र प्रभु यीशु को आज से 2000 साल पहले इस संसार में मनुष्य के रूप में भेजा था जिससे कि सूली पर तुम्हारे पापों के लिए वो प्रायश्चित करे, और उस प्रायश्चित के कारण मैं न्याय के साथ तेरे साथ पेश नहीं आऊँगा, न्याय के साथ पेश आऊँगा तो तुझे नरक जाना पड़ेगा, मैं अन्याय के साथ भी पेश नहीं आऊँगा, ऐसा करूँगा तो तू ख़त्म हो जाएगा, मैं तेरे साथ कृपा का व्यवहार करूँगा मेरे बच्चे, और इसलिए आज मैं तुमको शाश्वत जीवन प्रदान कर रहा हूँ। एक बार जब शाश्वत जीवन मिल जाता है उसके बाद जब हम अपने जीवन में बहुत सारी बातें देखते हैं तब प्रभु से कई बार हम पूछते हैं प्रभु आपने कृपा के कारण, अपनी दया के कारण मुझे एक नया जीवन दिया था, लेकिन अब जरा देखिए प्रभु ये आदमी वो क्या कर रहा है मेरे साथ, हे प्रभु ये कैसा अन्याय है, तब प्रभु हमको जवाब देते हैं मेरे बेटे या मेरी बेटी अन्याय नहीं है, मैं तुझे तू अभी जो है उससे एक और अच्छा व्यक्ति बना रहा हूँ और उसके लिए इस व्यक्ति का उपयोग कर रहा हूँ। जिस तरह से जब हथौड़ा पत्थर पर वार करता है, छेनी पत्थर पर वार करती है, पत्थर को दर्द होता है, मान लीजिए पत्थर जीवित होता तो उसको दर्द होता, उसको वो हथौड़ा पसंद नहीं आता, वो छेनी पसंद नहीं आती, लेकिन जब एक कुशल कारीगर हथौड़े छेनी से उस पत्थर पर कुछ देर कार्य करता है तो पत्थर कितना सुंदर, कितना आकर्षित हो जाता है। उसी तरह से प्रभु इन लोगों का उपयोग करके मुझे और आपको एक नया रूप दे रहे, हमारे रूपांतर हो रहा है। इसलिए यदि आपको लग रहा है कि आपके साथ अन्याय हो रहा है, अन्याय नहीं हो रहा है, प्रभु आपको एक नया रूप दे रहे हैं, लेकिन वो व्यक्ति जो ये कठोर कार्य आपके जीवन में कर रहा है प्रभु उसके साथ निश्चित रूप से व्यवहार करेंगे, वो नहीं बचेगा, लेकिन प्रभु अपने समय में उसके साथ व्यवहार करेंगे, और जब प्रभु का स्पर्श उस व्यक्ति पर आएगा तब प्रभु के नाम की महिमा होगी, सारी दुनिया के लोग समझ जाएंगे कि आप प्रभु के बच्चे हैं, और आपके विरुद्ध जिस व्यक्ति ने उंगली उठाई थी वो व्यक्ति नहीं बचा है। इस तरह से प्रभु के नाम की महिमा होगी। आज 9वें अध्याय में और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन यदि हम 50 बातों को देखने जाएंगे तो एक बात भी याद नहीं रख पाएंगे, इसलिए मैंने सोचा कि इस अध्याय में जो 50 बातें हैं उसमें से सिर्फ एक बात हम देखेंगे, एक बात का अध्ययन करेंगे, एक बात को समझ जाएंगे तो मन में रहेगा। मैं फिर से मैंने जो बोला उसका संक्षेप याद दिलाना चाहता हूँ। आपने प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया, उसके बाद आपकी उम्मीद यह है कि जीवन में सब अच्छा होगा, लेकिन कई बार जीवन में बुरे लोग भी आकर हमसे व्यवहार करते हैं तब हमको बहुत दर्द होता है, लेकिन ये वो दर्द है जब पत्थर को दर्द होता है जब हथौड़ी छेने से उस पर वार होता है। इस बात को हम समझ जाएं तो प्रभु हमको शेप करके एक जो रूपांतर हमारा कर रहे हैं उसको समझ जाएंगे। दूसरी ओर उस व्यक्ति, वो जो हमारे जीवन में दुष्टता कर रहा है उसके बारे में फिक्र ना करें, जब समय आएगा तब प्रभु उसको भी स्पर्श करेंगे, तब सब लोग जान जाएंगे कि आप प्रभु के बच्चे हैं, आप प्रभु की संतान हैं। उसके साथ साथ मैंने आज एक बात और बताई थी, प्रभु यीशु आज से 2000 साल पहले
इस संसार में पधारे थे। क्यों पधारे थे? मुझे और आपको एक नया जीवन देने के लिए। आज से बहुत साल पहले मैंने प्रभु के सामने घुटने टेक कर प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया। तब से मेरे जीवन में एक विशेष खुशी है, एक विशेष शांति है। इस सभा में ऐसे कई भाई बहन लोग हैं जिन्होंने प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया, जिनके जीवन में यह शांति है। यदि इस सभा में आज ऐसा कोई भाई या ऐसी कोई बहन है जिसने आज तक प्रभु यीशु के द्वारा यह मुक्ति, ये शांति नहीं पाई है, तो आज यहाँ से जाने से पहले इस बात का यकीन कर लें कि आपके हाथ में, आपके जीवन में वो शांति है। यदि आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है, एकदम नई बात है, कोई बात नहीं, हम इन बातों को समझाने के लिए यहाँ पर आए हैं। और इसलिए मीटिंग की सभा के आखिर में आप मुझसे आकर बात कीजिए, मैं आपको डिटेल में विस्तार से समझाऊंगा। हमारे बीच में और भी कई भाई लोग हैं, मैं आपको उनकी तरफ भी इशारा कर दूंगा, वो लोग आपको समझा देंगे। लेकिन हाँ, जाने से पहले हम में से कई लोगों के जीवन में ये जो शाश्वत शांति है उसको पाने के बाद ही यहाँ से जाएं। आज प्रभु ने हम सबको इस तरह से एकत्रित होने के लिए अपन सबकी मदद की। इस भारी बरसात के बावजूद आज इस सत्संग में हम आ सके, उसके लिए मैं प्रभु का शुक्रगुजार हूँ। प्रभु आप सबको अपना अनुग्रह दें। जय मसीह की।